working with irrigation. तो लाइट जल गई लाइट लाइट नहीं जली चल गई सर और मोटर बंद हो गई सर ऑटोमेटिक मोटर बंद हो सकती है किसको पता चल रहा है इधर से गाड़ी आ रही है तो गाड़ी इधर से आ रही है इसको भी पता चल रहा है तो गाड़ी इधर से आ रही है इसको संकेत मिल गया इधर से गाड़ी उधर संकेत मिल गया उधर लाइट जली हां ठीक अब ये गाड़ी इधर जाएगी इसको संकेत मिल जाएगा इधर आ जाए तो ये इस पर धीरे धीरे कर लेंगे तो धीरे 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 गाड़ी आराम से निकल जाएगी इससे एक्सीडेंट कम होगा और सर ये पहाड़ी इलाकों में ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं हमने ये एक बनाया है इधर खाइए हम दो रोड ले सकते थे एक तरफ तो हमने एक ऊपर नीचे लगा ऊपर वाले सड़क से तो कार आएगी नीचे से तो कार जाएगी तो सर हमारे एक्सीडेंट्स कम हो सकते हैं बड़े बड़े पहाड़ों में डबल रोड डायरेक्शन क्या होगा ऊपर वाली सड़क पे तो गाड़ी आएगी और नीचे से तो जाएगी आएगी और जाएगी चलो बस खत्म माय नेम कहाँ चल रहा हूँ माय नेम गजेंद्र कुमार एंड दोनों राम शर्मा इससे बिजली बनती है और गांव में उजाला होता है और ये इससे चलती है इससे व्हाट इज टॉपिक टॉपिक क्या है तुम्हारा विंडमिल इसमें बोले ना विंडमिल कैसे काम करती है ये सर यहाँ से तार लगाते ही चल जाती है तार लगाते ही चल जाती है विंड से नहीं चलती विंडमिल तो विंड से चलनी चाहिए ना हाँ ओके treatment plant my name is Minakshi Suman first of all this is your chamber isme jo sewage jo ganda pani jo hota hai na wo receive hota hai aur jo isme na sewage pani स्टोर होता है उसके बाद ये स्क्रीनिंग एंड चेंबर में आता है सीवेज क्या होता है सीवेज सीवेज यानी गंदा पानी नाली का या कहीं और का सब जगह का ठीक है बहुत ज़्यादा गंदा पानी और उसके बाद वो स्क्रीनिंग एंड चेंबर में जाता है जिसमें वो उसके बाद ये उसमें ना स्क्रीनिंग हो जाता है जिसमें जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं ना वो अलग हो जाते हैं और उसमें जो मुँह पे लगा कंकर पत्थर रहते हैं वो आगे आ जाते हैं उसके बाद ये स्टीमिंग टैंक में जाता है जिसमें है ना वाटर का फ्लो आगे की होने की वजह से जो ऑयल पार्टिकल्स आते हैं वो फ्लो की वजह से पीछे चल जाते हैं और उसके बाद पानी प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में आता है इसमें ना वाटर का फ्लो बंद हो जाता है जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स रहते हैं सोल्यूबल पार्टिकल्स वो सरफेस पर आ जाते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसके बाद पानी एरिएशन टैंक में जाता है इसमें है ना वाटर का फ्लो होता है और बबल्स का फॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से जो है ना बैक्टीरिया रहते हैं ना उनमें ग्रोथ होती है उसके बाद पानी सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में हो जाता है
इसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं वो है ना नीचे बॉटम में रुक जाते हैं और फिर इससे पानी होता हुआ फिल्ट्रेशन चेंबर में आ जाता है। इसमें थ्री लेयर्स बनती है, बिग पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल एंड वेरी स्मॉल पार्टिकल। इसमें जो गंदा पानी होता है ना उसमें फिल्टर होके वो है ना डिसइंफेक्शन चेंबर में आता है और है ना इसमें अपन है ना क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर आदि से अपन इसको है ना साफ़ कर सकते हैं। जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर भी है ना क्लोरीन से बना होता है, जैसे CaO Cl2 इससे बना होता है। फिर है ना इससे है ना डिस्ट्रीब्यूशन चेंबर में आ जाता है, इससे अपन है ना डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें फिर इस पानी को अपन है ना लेब में चेक करेंगे कि ये पानी है ना इसकी pH कितनी है, क्या है, ऐसे चेक करेंगे। फिर है ना इसको है ना डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इससे सब दूर सप्लाई हो जाएगा और अपने को प्योर वाटर मिल जाएगा। थैंक यू।